और महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय केशव देव जी, मंचासी इटावा के पूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह साहब जी, पूर्व सांसद इटावा आदरणीय प्रेमदास जी, मैनपुरी से पूर्व सांसद प्री तेज प्रताप जी, इटावा जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल जी, मंचासी समाजवादी पार्टी और महान दल के सभी हमारे सम्मानित नेतागण, प्रदेश के कोने कोने से पधारे हमारे महान दल के कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार मित्रों, आज के इस मौके पर आदरणीय नेताजी की जन्मभूमि कर्म भूमि पर, माननीय अखिलेश जी की जन्म और कर्म भूमि पर मैं महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई केशव देव मौर्या जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय केशव देव जी से हमारे व्यक्तिगत तौर पे बहुत पुराने रिश्ते हैं और रिश्तों की बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ राजनीतिक नियत से बहुत सारे गठबंधन हमने देखे हैं, लेकिन भाई केशव देव जी ने जो गठबंधन किया है समाजवादी पार्टी से माननीय अखिलेश यादव जी से, वो इतना दिल से किया है कि ऐसा दिलों का गठबंधन मैंने कोई दूसरा नहीं देखा जो केशव जी ने समाजवादी पार्टी से किया है। और जिस निस्वार्थ भाव के साथ उन्होंने नारा दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार लानी है, समाजवादी पार्टी की सरकार लानी है, मैं उनकी इस भावना का सम्मान करते हुए समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता साथी की ओर से भाई केशव देव और महान दल के सभी साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, ये गठबंधन कोई मामूली गठबंधन नहीं है, ये उत्तर प्रदेश और देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हम पिछड़ों को ठगने का काम करती है। मुझे एहसास है आदरणीय प्रोत्साहन गवाह है इस बात के, राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक, सदन के सिरे के सड़कों तक जिस तरह से समाजवादियों ने पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ी, जिस तरह से समाजवादियों ने संघर्ष किया, ये बीजेपी के लोगों ने समाजवादियों की तमाम लड़ाई के बावजूद पिछड़ों के साथ जितना संभव था उतना कुठाराघात करने का काम किया है। इसलिए आज जो पिछड़ों की ताकत इकट्ठी हुई है, इस ताकत की बुनियाद पर मुझे यकीन है कि आने वाले 2022 में एक बार फिर उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर माननीय अखिलेश यादव जी बैठेंगे, और जब अखिलेश यादव जी बैठेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछड़ों की जाति जनगणना से लेकर किसानों की समस्याएं हैं, नौजवानों की बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कोरोना के जो दुर्दशा पूरे देश ने इस प्रदेश ने देखी है, इन तमाम समस्याओं से निजात हमारे प्रदेश को तभी मिलेगा जब उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर माननीय अखिलेश यादव जी एक बार फिर बैठेंगे। और जब माननीय अखिलेश जी बैठेंगे तो हमें यकीन है जिस तरह से सैफई गांव में मेडिकल यूनिवर्सिटी से लेकर उत्तर प्रदेश के कोने कोने में स्वास्थ्य की सेवाओं से लेकर एक्सप्रेसवे से लेकर एम्बुलेंस से लेकर लैपटॉप से लेकर हमारी माताओं बहनों को जो समाजवादी पेंशन मिली है, किसानों को जो मुफ्त सिंचाई मिली है, गरीबों को जो मुफ्त दवाई मिली है, एक बार फिर माननीय अखिलेश जी के राज में उत्तर प्रदेश की जनता को सुविधाएं मिलने का काम होगा। इसलिए इस मौके पर हमारे नेतागण बैठे हैं, हम ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बार फिर अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से आदरणीय नेताजी माननीय अखिलेश जी, आदरणीय प्रोत्साहन की इस सरजमी पर एक बार फिर भाई केशव देव मौर्या और महान दल के तमाम साथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।